कमी पर मुझे इसलिए नाज है, इस जमीन पर मुझे जन्मभूमि मेरा इसलिए नाज है, इस जमीन पर मुझे जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इब्तदाई थोड़ा सा आपके सामने गुफ्तगू किया, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप हजरात जो इस इंतज़ार में हैं कि प्रोग्राम शुरू होगा तो चलेंगे, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। दोस्तों, अब इस प्रोग्राम का आगाज़ के लिए मैं एक नौजवान शायर तौसीफ सुल्तानपुरी को आवाज़ दे रहा हूं कि वो जहां कहीं भी हों माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले चार मिसरे पढ़ता हूं, आप यहीं से थोड़ा सा मूड बनाइए सुनने का। पढ़ता हूं, सुनिए। हमारे कौम की तहजीब को मिटाएंगे, हमारे कौम की तहजीब को मिटाएंगे। रहे खामोश तो यूं ही हमें सताएंगे, सितम की कैद से खुद को निकालने के लिए हम अपने कुवते बाजू को वाजुमाएंगे, हम अपने कुवते बाजू को वाजुमाएंगे। और दोस्तों, चार मिसरे और पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। कि फितना फसाद बेच के सरदार हो गया, फितना फसाद बेच के सरदार हो गया, नेता हमारे देश का सरदार हो गया। समझाता जिसको हमने तहफ़ुज़ का देवता, समझाता जिसको हमने तहफ़ुज़ का देवता, वो दुश्मन वतन का मददगार हो गया, वो दुश्मन वतन का मददगार हो गया। और दोस्तों, चार में से पढ़ता हूं, उसके बाद ढाई तीन मिनट की एक नज़्म, फिर अपनी जगह लेता हूं। पढ़ता हूं, सुनिए। कि गांव कस्बा नगर जलाओगे, गांव कस्बा नगर जलाओगे, फिर कहीं जाके वोट पाओगे, फिर कहीं जाके वोट पाओगे। सोच है आपकी यही साहब, सोच है आपकी यही साहब, हिंदू मुस्लिम को अब लड़ाओगे, हिंदू मुस्लिम को अब लड़ाओगे, हिंदू मुस्लिम को अब लड़ाओगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आइए बहुत जल्द वो कलाम पढ़ता हूँ ढाई तीन मिनट का, फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। पढ़ता हूँ, सुनिए। बना जो घूम रहा है वान जो समझे अपने को बलवान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बना जो घूम रहा है वान है समझे अपने को बलवान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जलाए देश में जो कुरान,
चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, जलाए देश में जो कुरान, करे जो गीता का अपमान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनिए। कि जो कत्ले आम कराते हैं, जो कत्ले आम कराते हैं, जो सीताओं को जलाते हैं, जो सीताओं को जलाते हैं, जो घर घर आग लगाते हैं, जो आपस में लड़वाते हैं, बनाए भारत को शमशान, बनाए भारत को शमशान, है उससे भारत का अपमान, वो हिंदू हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और दोस्तों, मैं नौजवान दोस्त बैठे हैं, मैं इनकी जानिब ये बंद पढ़ता हूँ, सुनिए। कि हमें सरहद पे जाना है, हमें सरहद पे जाना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें कश्मीर को पाना है, सभी को अपना बनाना है। नहीं है फेलिस जो इंसान, नहीं है फेलिस जो इंसान, नहीं है उसका कुछ एहसान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और दोस्तों, बहुत ही प्यारा बंद आपकी समातों के हवाले पढ़ता हूँ, सुनिए। कि हमें मंदिर भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारी है, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें गीता भी प्यारी है, कि ऐसे दोनों में यारी है, करेगा जो भी गंदा काम, करेगा जो भी गंदा काम, करेगा जो भी गंदा काम, हो मुल्ला या कि आसाराम, वो हिंदू हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, है समझे अपने को बलवान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, सुनिए। बनाए भारत को शमशान, है उससे भारत का अपमान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कि झूठा नारा लगाना है, कि झूठा नारा लगाना है, हमें बेटी को बचाना है, हमें बेटी को बचाना है, कि झूठा नारा लगाना है, हमें बेटी को बचाना है, कि काले धन को लाना है, कि बदले सरदस लाना है, न कीजे कुर्सी का अपमान, न कीजे कुर्सी का अपमान, कि सुन लो खोल के अपने कान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बना जो घूम रहा है वान, है समझे अपने को बलवान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जलाए देश में जो कुरान, जलाए देश में जो कुरान, करे जो गीता का अपमान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, माशाल्लाह। अभी जनाब तौसीफ साहब ने अपना अपने कलाम के ज़रिए पूरा मैसेज आप तमामी हजरात तक, पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाया।